हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ऊना विकासखंड मियांगंज क्षेत्र के ग्राम कोटरा के अन्ना मवेशियों ने तंग आकर आज सैकड़ों किसान जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। घेराव किसानों ने अन्ना मवेशियों और निर्माणाधीन गौशाला के संबंध में जिलाधिकारी उन्नाव को प्रार्थना पत्र दिया। किसानों ने कहा, हम रात भर जाकर अपनी फसलों की रखवाली करते हैं और फसल बचाने के लिए अपने खेतों में कांटेदार तार भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी सैकड़ों की तादाद में अन्ना मवेशियों हमारे खेत में घुसकर पल भर में फसल नष्ट कर देते हैं। किसानों का पूरा समय फसल को बोने से लेकर फसल काटने तक खेत की रखवाली में निकल जाता है, फिर भी किसान अपनी फसल को नहीं बचा पाता। किसानों ने ग्राम प्रधान और वीडियो मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गौशाला के नाम पर जो सरकार द्वारा धनराशि ग्राम प्रधान को प्राप्त हुई थी, ग्राम प्रधान अधिकारियों की मिलीभगत से गौशाला की धनराशि का बंदरपाट किया गया है और गौशाला आज भी अपूर्ण बना है। सैकड़ों किसानों ने कहा, अगर जल्दी अपूर्ण गौशाला का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो हम सैकड़ों किसानों के साथ 16 जनवरी को जिलाधिकारी कार्यालय उन्नाव के सामने भूख हड़ताल करके प्रदर्शन करेंगे। देखो, ज्ञापन देने आए हैं, क्या समस्या है? हमारे गांव में गाय की समस्या है, अन्ना जो गाय घूम रही है, इससे बहुत किसानों को दिक्कत हो रही है। जो फसल बोते हैं, बोने से काटने तक खेत में ही बिता देते हैं समय। और गौशाला का पैसा आया था, हमारे गांव के प्रधान जी और वीडियो मंत्री सारे लोग मिलकर बंदर बांट किए हैं उसमें। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो प्रताड़ित भी करते हैं, रास्ते में रोकते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं प्रधान जी। प्रधान जी का नाम क्या है? प्रधान जी का नाम है रेखा सिंह, उनके प्रतिनिधि है धीरेन प्रताप सिंह उनका लड़का। अच्छा। धमकी देता है। तो आज जिला अधिकारी को आपने ज्ञापन दिया, जिला अधिकारी ने क्या आपको आश्वासन दिया? जिला अधिकारी ने आश्वासन दिया है, मुलाकात नहीं हुई, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। हम लोगों ने बताया है अगर 15 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 16 तारीख को भूख हड़ताल पर बैठेंगे जिला कलेक्टर। समस्या तो सबकी यही है। कहाँ के निवासी हैं? क्या समस्या है आपको? गौ बहुत है, गाय बहुत है। गौशाला बनी है आपके यहाँ? गौशाला बना नहीं है। गौशाला नहीं बना है? आपने प्रधान जी से कहा था? जेसीबी चले, माटी खुदे भरे, बस कुछ नहीं हुआ। सिर्फ गड्ढे खुदे हैं और कुछ नहीं हुआ। आज आप लोग डीएम के यहाँ आए, डीएम ने क्या कहा है आपसे? बताओ, आदेश हो जाए, देखो का हो।